हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, ये वीडियो मीशो के ऊपर है और अगर आप मीशो पे सेल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मीशो ने एक नया प्रोसेस, नया इम्प्लीमेंटेशन लेकर के आया जिसको कि उन्होंने पोस्ट किया है अपने नोटिस बोर्ड पे। अगर आप नोटिस बोर्ड पे जाके देखेंगे तो आपको ये दिख भी जाएगा। वो डायरेक्टली रिलेटेड है कस्टमर रिटर्न से और हमारे क्लेम से। आपको पता ही होगा कि अगर मीशो में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है कस्टमर रिटर्न में, चाहे सामान चेंज होकर आता है या फिर बदला हुआ रहता है या फिर डैमेज रहता है या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है, तो हम लोग एसपीएफ क्लेम डालते हैं, मीशो उसको रिव्यू करता है, फिर जाके हमारे क्लेम पास या फेल होते हैं। लेकिन अभी मीशो ने चार नियम बना दिए हैं। अगर आप इन चार नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके क्लेम पास नहीं होंगे, वो फेल हो जाएंगे और आपको भारी नुकसान होने की भी संभावना है अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। तो भाई, क्वेश्चन ये उठता है कि वो प्रोसेस क्या है। उस प्रोसेस को जान लेना चाहिए ना। जब हमें अगर नुकसान होने वाला है तो इससे अच्छा है कि उस प्रोसेस को जान लो और उसे फॉलो करो। तो आइए मैं उसी प्रोसेस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोसेस है और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि आपका जो रिटर्न पैकेट है वो बाहर से टेम्पर्ड यानी कि फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पैकेट बाहर से हल्का सा भी फटा हुआ है तो आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। कोरियर को बोलिए, भैया हम नहीं लेंगे, ये फटा हुआ है। अब उसका क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये आता है, जो आपका जो रिटर्न शिपिंग लेवल है वो टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। टेम्पर्ड से मतलब ये है कि वो भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए शिपिंग लेवल। पैकेट तो फटा हुआ होना ही नहीं चाहिए, साथ में शिपिंग लेवल भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये आता है कि आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि जब आपके कस्टमर रिटर्न आते हैं तो उस पर कोरियर पार्टनर्स के टेप लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिलीवरी अगर आता है तो उस पर डिलीवरी का टेप लगा होता है। एक्सप्रेस बीच से आया तो कभी कभी एक्सप्रेस बीच का भी टेप लगा हुआ रहता है। तो ऐसे एडिशनल टेप वाले पैकेट्स आपको रिजेक्ट करने हैं। और चौथा, अगर कोई मिसमैच लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपने भेजी है साड़ी और आपको लगता है कि पैकेट के अंदर सैंडल है, छू के पता लग जाता है, तो वैसे पैकेट भी आपको एक्सेप्ट नहीं करने। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई, अगर हमें इन पैकेट्स को एक्सेप्ट नहीं करना तो फिर करना क्या है। आपको विनम्रता से कोरियर पार्टनर को बोलना है कि भाई, मीशो की नई गाइडलाइंस के मुताबिक हम ये पैकेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फटा हुआ है आउटर साइड, या टेम्पर्ड है आपका शिपिंग लेबल, या प्रोडक्ट ही चेंज है, या फिर टेपिंग की हुई है। और इन सारे चीजों को आपको उनके पीओडी पे मेंशन करना है। सिर्फ दे करके छोड़ना नहीं है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आप उनको पैकेट को रिटर्न करेंगे, फिर उनके पीओडी को लेंगे, ट्रैकिंग आईडी मैच करेंगे, फिर वहां पे मेंशन करेंगे कि किस कारण से आपने इन पैकेट्स को रिजेक्ट किया है। अगर आप वहां कारण मेंशन नहीं करेंगे तो आपको रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। तो गाइज, मैं चारों पॉइंट आप फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूं। आपका फर्स्ट पॉइंट है, आपका जो आउटर पैकेजिंग है वो टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, रिटर्न शिपिंग लेवल टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा टेपिंग नहीं होनी चाहिए। और चौथा और आखिरी, प्रोडक्ट मिसमैच अगर लगे कि भाई कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट आया है, तो इन सारे तरह के पैकेट्स को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, उनके पीओडी पे मेंशन करना है, तब जाके ये मीशो रिव्यू करेगा और अकॉर्डिंगली आपको रिइंबर्समेंट दिया जाएगा। लेकिन इसका कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना है। अनड्यू एडवांटेज से मतलब ये है कि अगर पैकेट पूरी तरह सही है और आपने रिजेक्ट कर दिया तो उस पर भी आप पे एक्शन हो सकता है। मीशो ने क्लियरली अपने नोटिस में ये चीजें मेंशन की है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैप्पी सेलिंग एंड बाय बाय।